हेलो गाइस, वेलकम टू शिवमीत आर्ट्स। ये मेरा थर्ड ट्यूटोरियल है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम फेस की आउटलाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी हम कोई पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो हमें सबसे टफ लगता है उसकी फेस की आउटलाइन को ड्रॉ करना। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम ऑब्जर्व करके फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने ये पोर्ट्रेट लिया है ड्रॉ करने के लिए। मैंने इसका प्रिंटआउट ले लिया है। आप मोबाइल से भी ड्रॉ कर सकते हो, बट आपको उसमें बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है, इस वजह से आप अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसका जो भी आपको पोर्ट्रेट बनाना है, आप उसका प्रिंटआउट ले लीजिए, उसके बाद बनाइए। मैं हमेशा आईज से स्टार्ट करना प्रेफर करती हूँ, तो मैं हेड का थोड़ा बेस बनाकर आईज से स्टार्ट करती हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ ऑब्ज़र्व करके बना रही हूँ, मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है। आप लोग बोलोगे कि हम ग्रिड लाइंस का भी तो यूज़ करके बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हो, बट अगर आपकी लर्निंग स्टेज है तो आपको फ्री हैंड से ही बनाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे आपकी लर्निंग हो। फेसेस के अलग अलग प्रोपोर्शंस होते हैं। अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको फ्री हैंड ही बनाना चाहिए। अगर आप ग्रिड लाइन से बनाओगे तो आपकी कोई भी लर्निंग नहीं होगी। आपको बस पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको हार्डली इसमें 5 to 10 minutes लगेंगे इसे ड्रॉ करने में। Thank you.
तो आपने देखा कि मैंने सिर्फ ऑब्जर्व करके फेस की आउटलाइन को ड्रॉ किया है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है फ्री हैंड स्केच करने की। इसके प्रैक्टिस करने के बाद आपको हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेंगे किसी भी पोर्ट्रेट की आउटलाइन को ड्रॉ करने में। और इसी पोर्ट्रेट को मैं शेड करना बताऊंगी, जिसका वीडियो कल आएगा, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। और अगर आपको मेरे फर्स्ट और सेकंड ट्यूटोरियल देखने हैं तो लिंक इज गिवन हियर। तो बाय बाय गाइस, हैप्पी स्केचिंग।